एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे FTTS बेसिक नॉलेज चैनल पे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है FTTS नेटवर्क रोल आउट। FTTS नेटवर्क रोल आउट मीन्स सेंट्रल ऑफिस से कस्टमर परमाइसेस, कस्टमर के घर को कैसे कनेक्ट करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि OLT से ONT को कैसे कनेक्ट करेंगे, उसकी वायर को कैसे बिछाएंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसको समझने के लिए, नेटवर्क डिप्लॉय या नेटवर्क रोल आउट को समझने के लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या जो ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। अब हमें जानना है कि ब्राउन फील्ड में क्या काम होता है और ग्रीन फील्ड में हमारा क्या काम होता है। ब्राउन फील्ड में क्या एक्चुअल में दोस्तों, कि जो हमारे पहले से जिसका टीवी केबल चल रहा है, या वो कोई ADSL या वो ISDN नेटवर्क, कोई भी टेक्नोलॉजी वो चला रहे हैं पहले से, उनको किस में मूव करना है, FTTH में मूव करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अपने नेटवर्क को चेंज करना है, समय के हिसाब से बदलना है, फ्यूचर में आना है। और ग्रीन फील्ड वो है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नया नेटवर्क बिछाना चाहते हैं, हम नया ISP बनना चाहते हैं, तो मुझे उसके लिए कैसे रोड मैप तैयार करना होगा, ये होता है ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक ऑप्शन दे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। जैसे ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें इनका पुराना नेटवर्क कैसे चल रहा है, इन्होंने कॉपर की वायर बिछाई हुई है और कहीं पर भी कोई भी CAT 6 की, यहाँ पे आप देख रहे हैं CAT 5 का कोई भी केबल, कहीं पे भी 3 होम पास 4 होम पास कोई भी कनेक्शन चला रहे हैं। कल को इनकी खुद की अगर कंप्लेन आ जाए तो इनको रिजॉल्व करने में 1 दिन पूरा लग जाएगा, कस्टमर इनका परेशान रहेगा। तो ये है ब्राउन फील्ड। अब इनको मूव करना है किस में, ट्रांसफॉर्म करना है FTTH में, तो ये होता है ब्राउन फील्ड। अब आते हैं हम ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड में क्या होता है कि एकदम नया फ्रेश घास, मतलब हमें क्या करना है कि एक मैदान है खुला और उसमें एक नए एरिया में कोई ISP नहीं, और मैं अब यहाँ पे ISP बनने जा रहा हूँ, तो वो है ग्रीन फील्ड। तो वो क्या देने वाले हैं, वो एक हाई स्पीड इंटरनेट देने वाले हैं। हम ये भी कह सकते हैं फाइबर को आज के डेट में कहा जाता है फ्यूचर, हम उसे फ्यूचर देने जा रहे हैं। और दूसरा चीज़ क्या है हमारा इसमें, बजट। बजट आप देख रहे हैं कि एज़ पर कॉपर नेटवर्क बहुत ही ये सस्ता होता है, बहुत ही ये ईजी डिप्लॉय होता है, इसलिए हमारे पास बजट होना चाहिए और हम फ्यूचर देने जा रहे हैं। तो आइए आगे चलते हैं कि इसमें होता क्या है, नेटवर्क रोल आउट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो ये आपके सामने 8 प्लान दिख रहे हैं, ये स्ट्रेटजी होती है, अगर इसको हम फॉलो करें तो हमारा नेटवर्क डिप्लॉय हो जाएगा, हम अपना कंस्ट्रक्शन का काम कम्प्लीट करेंगे और हम एक अच्छे ISP बन सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, सर्वे। फिर क्या है, प्लानिंग। दोस्तों हम अभी इसको ब्रीफ भी करेंगे कि सर्वे में हम क्या करते हैं, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, नेटवर्क रोल आउट में हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, OLT इंस्टॉलेशन में हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, और बड़ी राइट में हम क्या करते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं कि हम इसमें कैसे करेंगे। अब सर्वे देख रहे हैं, सर्वे में एक न्यू ISP है और एक एग्जिस्टिंग ISP है। दोस्तों वही चीज़ है, न्यू ISP मीन्स ग्रीन फील्ड और एग्जिस्टिंग ISP में ब्राउन फील्ड। अब जो न्यू ISP बनने जा रहा है उसके पास ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए, जैसे टूल किट होना चाहिए, फाइबर का स्प्लाइसिंग मशीन होना चाहिए, पावर मीटर होना चाहिए, OTDR होना चाहिए, उसके पास मटेरियल इक्विपमेंट और जो भी उसका बजट होगा, कॉस्ट होगा, वो इन्वेस्ट करेगा और ये सारी चीज़ें अपने पास लेकर आएगा जो नया ISP है। एग्जिस्टिंग ISP, अगर हमें एग्जिस्टिंग सर्वर चलाना है, एग्जिस्टिंग हम ISP हैं और हमें एक ट्रांसफॉर्म करना है, हमें अपने नेटवर्क को चेंज करना है। ट्रांसफॉर्म का मतलब हम नए नेटवर्क में आ रहे हैं, फ्यूचर के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए हमें क्या जानना होगा कि अभी हम कौन सा नेटवर्क, कैसा नेटवर्क है मेरा, और हम कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, और हमें किस टेक्नोलॉजी पर मूव करना है, ये चीज़ें हमें सर्वे में करना होगा। ठीक है, फिर पावर सप्लाई हमारे पास है या नहीं है, हमें, क्योंकि नए नेटवर्क में, पुराने में हम कैसे भी चला रहे थे मुझे नहीं आइडिया है। ठीक है, नए में हमारे पास पावर सप्लाई होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, मेरा जो हब बना हुआ है, यानी कि जो मेरा सर्वर रूम बना है मेरे ऑफिस में, वो मेरा बेस्ट है या नहीं बेस्ट है, उसको मुझे मेंटेन कैसे करना है, उसकी मेंटेनेंस करवानी है या नहीं करवानी है, ये चीज़ हम इसमें सर्वे में करते हैं। अब आता है कि हमारा सर्वे कम्प्लीट हो गया तो हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में हम क्या क्या करेंगे आइए जानते हैं। आप प्लानिंग देख रहे हैं, प्लानिंग में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, हम एक रोड मैप तैयार करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ एक ऑप्शन कि जियो ट्रैकर एक ऐप होता है जो कि फ्री में मिला हुआ है, प्ले स्टोर पे है, और ऐसे हज़ारों ऐप हैं
जो फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। और QGIS, ArcGIS, AutoCAD, ऐसे फ्री के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, अगर आप चाहें परचेज करके लेना तो परचेज भी कर सकते हैं। जैसे बड़े ISP जो होते हैं, जो क्लास ए में ISP आते हैं, वो परचेज करके अपना टूल यूज़ करते हैं, AutoCAD हुआ, एनी टूल हुआ, ऐसे तमाम जो भी GIS के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि वो सारे होम पास को कंसीडर कर लेते हैं कि मेरे एरिया में कितने घर हैं और हमें उन्हें कैसे कनेक्ट करना है। लेकिन अगर आप छोटे ISP हैं तो ये वो ऐप हैं जो फ्री में अवेलेबल है, जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये हमारा और ये। इस तरह से हम एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं गूगल अर्थ और इन ऐप की मदद से कि हमारे कितने होम पास हैं। होम पास मतलब वो घर जिसे हम कनेक्शन दे सकते हैं या हमें देना है, ठीक है। उन होम पास को हम कंसीडर करते हैं और उसके हिसाब से हम स्प्लिटर लगाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, कि हमारा प्राइमरी यहाँ पे लगेगा, सेकेंडरी यहाँ लगेगा, यहाँ से इतने इतने घर हमारे कनेक्ट होंगे। और दोस्तों, इसको छेड़छाड़ नहीं करना। अगर जो हमारा मैप तैयार होगा, सपोज़ आप किसी से बनवाते हैं या खुद बनाते हैं, तो हम उसी के बिहाफ पे अगर काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो हमारा नेटवर्क एक बहुत ही बेस्ट होगा और फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा। मतलब हमारे कस्टमर अपने आप ऑटोमेटिक हमारे कस्टमर बढ़ते जाएंगे, हमें बिजनेस मिलता जाएगा। तो हमें ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। अब हम नेटवर्क को रोल आउट करेंगे। अब हमें सपोज प्लानिंग सीट आ गई, जो आपके सामने दिख रही है, प्लानिंग सीट आ गई, तो इसके हिसाब से हम अब फाइबर को लेके हर जो भी हमारा गली है, सोसाइटी है, एरिया है, पार्क है, उसके रूट मैप जैसे दिख रहा है ना आपको, ये एरो चल रहा है, तो हमें यहाँ से यहाँ फाइबर लेके आना है, यहाँ से यहाँ फाइबर लेके आना है, यहाँ से यहाँ फाइबर लेके आना है। इसको कैसे लेके आएंगे, नेटवर्क रोल आउट कैसे करेंगे? अब हमें फाइबर लेइंग करनी है। तो फाइबर लेइंग हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम अंडरग्राउंड करते हैं या हम एरियल करते हैं। दोस्तों, इंडिया में, हमारे देश में जो यूज़ हो रहा है मोस्टली, वो एरियल केबलिंग हो रहा है, क्योंकि पहले से सोसाइटी और कॉलोनी बन चुके हैं, तो उनके एरिया में जाके हम अंडरग्राउंड काम नहीं कर पा रहे हैं। अंडरग्राउंड हम नए कॉलोनी, नए सोसाइटी जहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे कुछ बड़े ISP, एक क्लास के ISP जो हैं, वो अंडरग्राउंड फाइबर डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप छोटे हो तो आप एरियल करोगे। एरियल करते समय आपको ध्यान देना है कि पोल टू पोल, जो ये वायर आप देख रहे हैं थोड़ा सा लूज है, इसको सैग बोलते हैं, ये कम से कम 1% आपको रखना है, फाइबर टाइट नहीं लेके जाना है। 1% का या मैक्सिमम 2% का सैग आप रख सकते हो और उसको अपने गली से होते हुए आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। और जितने भी किलोमीटर का होगा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, आपका जो भी नेटवर्क डिज़ाइन होगा प्लानिंग के अकॉर्डिंग, आप उस पर काम करोगे, ठीक है। और वो फाइबर डालने के बाद अब आपको स्प्लाइसिंग करनी है। जहाँ जहाँ पे हमें स्प्लिटर लगाना होगा, वहाँ वहाँ पे हम फाइबर को कट करेंगे और स्प्लिटर लगाते जाएंगे। वो कैसे कट करेंगे, वो हमें प्लानिंग के हिसाब से, हमारे पास मैप है और उस मैप को हम देखते जाएंगे और काम अपना करेंगे। तो हम स्प्लाइसिंग करेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखना है, स्प्लाइसिंग के समय हमें कलर कोड का भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि हम कोई भी फाइबर, किसी भी फाइबर में जोड़ देंगे। आप मेरा कलर कोड का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी अवेलेबल है कलर कोड कैसे क्या होता है फाइबर, उसके अकॉर्डिंग हम स्प्लाइसिंग करेंगे प्राइमरी स्प्लिटर की और सेकेंडरी स्प्लिटर की। ये स्प्लाइसिंग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब हमारी स्प्लाइसिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब हमारा स्टेप आता है OLT को इंस्टॉल करना। हम OLT परचेज करते हैं मार्केट से, 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट, 32 पोर्ट, जितने भी पोर्ट का ले आते हैं, उसके नीचे FMS लगाते हैं और फिर हम फील्ड फाइबर को लेके फील्ड में मूव करते हैं। उसके लिए हमें OLT के साथ साथ SFP भी ख़रीदना होता है। SFP में भी हमारा ईपोन SFP है या जीपोन SFP है, वो भी ख़रीदना होता है। इस पर भी मैं आपको एक ईपोन और जीपोन पे वीडियो बनाऊँगा, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, तो वो वीडियो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, एक सिंपल मैन के लैंग्वेज में, कि मतलब हम आसान भाषा में कैसे इसे समझ सकें, ठीक है। तो हम OLT को इंस्टॉल करते हैं और उसे फिर जो भी हमारा बैकहॉल लिंक होगा स्विच से जोड़ेंगे, जो भी बैकहॉल लिंक हम टाटा से, एयरटेल से, अगर हम ISP बन रहे हैं, हम BSNL से ले रहे हैं, हम CCS वाईफाई चौपाल चलाना चाह रहे हैं तो हम BSNL का लेते हैं, हम अगर अपना प्राइवेट चलाना चाहते हैं तो हम एयरटेल से भी ले सकते हैं, हम टाटा से भी ले सकते हैं, तमाम इस तरह से लिंक हमें अवेलेबल है। आप DOT से बात करके वो ले सकते हो। तो इस तरह से हम लिंक ले आएंगे, उसके नीचे OLT लगाएंगे, FMS लगाएंगे और फिर हम फील्ड में फाइबर लेके, जो भी फाइबर हमारा फील्ड में डिप्लॉय हुआ है, उससे इसको जोड़ देंगे, स्प्लाइस कर देंगे कलर कोड के साथ।
जब ये हम जैसे ही कलर कोड के साथ जोड़ेंगे और OLT को अपना एक्टिवेट करेंगे मतलब ऑन करेंगे, तो वहाँ पे सप्लाई एक ऑप्टिकल सिग्नल रन करने लगेगा उन वायर में, तो हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। हमारी टेस्टिंग में जो पावर मैंने बताया है 17 से 22 होनी चाहिए कस्टमर एंड पे, तो स्प्लिटर पे हमारा -15 से -16 तक होना चाहिए, तो वो हम टेस्टिंग करेंगे। अगर हम ये काम किसी दूसरे से करवा रहे हैं तो हम टेस्टिंग करके ही लेंगे, हैंड ओवर और टेक ओवर उसे बोलते हैं, होटो करना। तो हम उससे उसके हर पोल पे हर स्प्लिटर पे जाएंगे और टेस्टिंग करके चेक करेंगे कि पावर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम उसको फिर से सही कराएंगे, क्योंकि हमारा फिर जब शुरू में ही नेटवर्क ख़राब होगा तो आगे और भी इशूज आएंगे। और अगर हम खुद का भी नेटवर्क बिछा रहे हैं, अगर किसी वेंडर से बिछवा रहे हैं या किसी अपने मैन पावर से बिछवा रहे हैं, तो भी हम ये एक बार चेक करेंगे, टेस्टिंग करेंगे अपने नेटवर्क का कि वहाँ पे पावर सप्लाई सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बड़ी राइड। बड़ी राइड पर आप देख रहे हैं कि हम कनेक्शन को लाइव करेंगे, मीन्स हम कस्टमर के घर पर विजिट करेंगे, ड्रॉप केबल एग्जीक्यूट करेंगे, डालेंगे उसके घर पे और अपने ONT को इंस्टॉल करेंगे, कस्टमर का घर लाइव हो जाएगा। तो इस तरह से हम नेटवर्क को रोल आउट का काम करते हैं दोस्तों, यही हमारा टॉपिक था। और हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अगर हमें नए एरिया में फाइबर बिछाना है तो बिछाएंगे। ये कॉन्सेप्ट को अगर हम फॉलो करते हुए चलें तो हमारा नेटवर्क सबसे बेस्ट और फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। तो आप जो भी आपको समझ में आया नहीं आया आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा इंस्टॉलेशन, मीन्स हम घरों को कनेक्ट कैसे करेंगे, लाइव कैसे करेंगे, उसमें अगर हमें इश्यूज आते हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो ये हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट। थैंक यू, बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, धन्यवाद दोस्तों।